इज फॉर मुनव्वर फारूकी. ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स. लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो. आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है. मैं थी अंजलि अरोरा ने अपने इंटरव्यू वीडियो में मुनव्वर फारूकी को बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर दिया. और उन्होंने बताया मुनव्वर फारूकी बहुत सारे लड़कियों के साथ खेलते हैं, उसी चीज में मैं भी आती हूँ. और उन्होंने क्या कहा आप देखिए. इस फॉर मुनव्वर फारूकी. ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स. लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं. आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है. मैं थी अपनी तरफ से, मैं बहुत अच्छे 72 दिन मैं उस इंसान के साथ रहकर आई. वही सेम अभी भी चेप रहा है वो, सेम गेम, सेम सारी कहानियां, एवरीथिंग. लॉकअप में बड़ी खबरें आई थी कि आप मुनव्वर को डेट कर रहे हो. बाहर अभी भी चलता है भाभी 2 भाभी 3 ऐसा कुछ चलता रहता है सोशल मीडिया पर मुनव्वर को लेकर. कोई सच्चाई थी? ऐसे तो बहुत सारी हैं. इनफैक्ट मुनव्वर का स्टेटमेंट भी है, एक मैं पढ़ रहा था, कहीं आज ही पढ़ रहा था मैं, कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी नाजिला, शायद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी. बहुत ही नेचुरल है जिस तरह से हम अंदर नजर आ रहे थे, काफी मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके में. आप कहोगे तो मैं वर्ड बाई वर्ड भी कोट कर सकता हूँ. हाँ, बताओ ना जरा. मुझे ये नाजिला को लेकर उन्होंने कहा, जो एक अखबार में कोट किया गया, कई सारे अखबारों में एक्चुअली कोट किया गया, कि मुझे पता है कि उनके लिए सब देखना आसान नहीं रहा होगा. मैं और अंजलि बेहद करीब थे, ऐसे में कई सारे इमोशंस उन्होंने महसूस किए होंगे, लेकिन अंत में उन्होंने गेम को समझा. और मुझे गेम को समझा नाजिला के बारे में बात हो. अच्छा. और सपोर्ट किया. सबसे जरूरी बात यह है कि उसे मुझ पर भरोसा था. फिर एक क्वेश्चन था कि क्या रिलेशनशिप पर असर पड़ा, तो उसमें जवाब था कि उनकी और अंजलि की करीबी से गर्लफ्रेंड नाजिला पर असर पड़ा. तो उन्होंने रिप्लाई किया कि पार्टनर का पोजेसिव होना ह्यूमन नेचर है, वो हर दूसरी लड़की जैसी है. अच्छा, छोड़ो ना, इसके लिए सिर्फ मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगी. ही नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स वेरी वेल. दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी. शब्दों के जादूगर हैं लेकिन लड़कियों. हाँ, लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो. ये क्यों कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि बहुत बहुत क्योंकि बहुत उन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी अभी, आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है. और ये किस आधार पर आप कह रहे हो? किस आधार पर? आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस. क्योंकि ये टॉपिक आपने भी एक पोस्ट किया था ईशा को लेकर, क्योंकि आपने पोस्ट किया. अगर आप ना करते तो मैं सवाल नहीं पूछता. बिल्कुल बिल्कुल, पूछो यार, आई एम ओपन फॉर दैट. ईशा के मामले में आपने पोस्ट किया कि जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं. एग्जैक्टली. ऐसा कुछ क्या लिखा था आपने? जो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने खुद कितना सच बोला है. तो ये क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत सर्कल में एक बहुत ऐसे रखता है कि मुझे इतना ही बताना है. बता, दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे अंदर. हाँ, मैं थी अपनी तरफ से, मैं बहुत अच्छे 72 दिन मैं उस इंसान के साथ रहकर आई हूँ. और I am shared with सारी शेर शायरी, बहुत सारी. वही सेम अभी भी चेप रहा है वो, सेम गेम, सेम सारी कहानियां, एवरीथिंग. एंड सलमान सर ने भी बोला है. हाँ. कि आपका वो कंटेंट खत्म हो चुका है. सलमान खान सेट की आपका एक महीने में शायद, एक महीने में वो खत्म हो चुका है. सो अभी उसका वो जादू चल नहीं रहा है, शायरी वाला. हाँ. वो सिंपैथी वाला, वो कार्ड सब जो खेलता है, सारे कार्ड्स खत्म हो चुके.